अच्छा तो कैसे हिदायत करूं? हिकमत के जरिए, मौइज़ा हसना के जरिए, जेदारे आसन के, ये तीन लफ्ज़ ज़हन में महफूज़ हो जाए। हिकमत के मानी बात को समझा देना, मौइज़े के मानी नफा नुकसान बता देना, जेदारे आसन के मानी बेहतरीन बहस करना। ये तीनों लफ्ज़ ज़हन में आ गए। हिकमत के मानी बात को समझा देना, मौइज़े के मानी नफा और नुकसान बता देना, जेदारे आसन के मानी अच्छी बहस करना। भाई दुनिया में जितनी भी तहरीकें आई हैं और जितने भी इज्म आए, दीनी हो, सियासी हो, माशी हो, मुआशरती हो, आवाम में तीन ही गर्व पैदा होते हैं। अगर कोई तहरीक चल जाए ना दुनिया में, कोई तहरीक कहीं भी चले, तो तीन गर्व पैदा होते हैं। एक गर्व दानिशवरों का गर्व, जो समझना चाहता है कि भाई ये क्या कह रहे हैं, वो वाकई समझना चाहता है। दूसरा गर्व मनफात पसंदों का गर्व, कि भाई अगर ज्वाइन कर लेंगे तो फायदा कितना होगा और छोड़ देंगे तो नुकसान कितना होगा। दो गर्व हो गए। तीसरा गर्व उन पढ़े लिखे लोगों का गर्व जो बहस के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी इज्म आ जाए, कोई तहरीक आ जाए, उसके मुकाबले पर बहस के लिए आमादे हो जाएंगे। तो जब भी कोई तहरीक आई, गर्व तीन ही आए, या समझने वाला आया, या नफा नुकसान मालूम करने वाला आया, या बहस करने वाला आया। तो तीन ही तरीके बनता है हबीब, अगर समझने आ जाए हिकमत के जरिए समझा देना, अगर नफा नुकसान मालूम करने आए मौइज़ा हसना के जरिए नफा नुकसान बता देना, और अगर बहस के लिए आ जाए तो उस तरीके से बहस करना जो बहस का बेहतरीन तरीका हो। ये तीनों तरीके समझ में आ गए? बहुत तवज्जो रखिएगा, लेकिन कहीं ले जा रहा हूं सुनने वालों को, जाति हम बिल्लती या आसन, हबीब उस तरीके से बहस करना जो बहस का बेहतरीन तरीका हो। लफ्ज़े मीठी रहे, लहजा शीरी रहे, आवाज दबी रहे, त्यूरियों में बदला है, जो तुझसे पूछने आए उससे मोहब्बत से बात कर। तो जो इस्लाम तबलीग में सख्त लहजे को पसंद न करे, वो तलवार या दुर्रे से अपनी तबलीग को कैसे पसंद करेगा? भाई बहुत तवज्जो रखिए, लेकिन कहीं कहीं जाना है हबीब, जाकिर हूं बिल्लती ही आखन, मुझे कहीं लेके जाना है, लेकिन ये आयत सभी वाली जहन में महफूज रहे ताकि आयत को मैं आगे ले जा सकूं। अच्छा तो हबीब अगर कोई बहस करने आ जाए तो देखो नाराज हो ना, बिगड़ना नहीं, डांट के बात ना करना। अगर तुमने डांट के बात कर दी और वो चला गया तो तबलीग उठ जाएगी, इसलिए लहजा अच्छा रखो। तो जब लहजे पर पाबंदी लगा दी तो ये कैसे पसंद करेगा अल्लाह कि तलवार उठा के तबलीग की जाए? अब इस्लामी फकों का राज खुल रहा है, तौसी पसंद करना ज़हनियतों का राज खुल रहा है। नहीं, प्रोटोकॉल दिया, भाई बहुत तवज्जो रखिएगा, लेकिन गुफ्तगू आयत कुरान के हुदूद से बाहर नहीं जाएगी। प्रोटोकॉल दिया कि ला तत्वदिल लजीना यदूर रब्बहुम बिल खदात वलशी यूरीदून वजल्ला, दरमियान में टुकड़ा छोड़ा, तत्रुद हो फतकुन मिन सालिमीन। क्या देख लीजिएगा कुरान में मशहूर वाक्य है, हजारों हजार मतलब आपने सुना है, उस वाक्य को दोहराना भी मकसूद नहीं है। गरीब आया बैठा रसूल के पास, अमीर आया रसूल के पास बैठ गया, दोनों बैठे। गरीब ने पहलू बदला, उसकी आबा का दामन पड़ गया उस अमीर के पहलू पर जो आगे बैठा था, उसने फौरन अपने पहलू को खींच लिया। अब ये सरमायादारी का मिलाज है ना, ये सरमायादारी का मिलाज है। साहिब खुलते अजीब को जला ला गया, एक पलका उसे घूर के देखा और कहा तूने तो ये आबा का दामन खींचा, तो क्या तुझे ये खतरा था कि तेरी दौलत इस आबा के जरिए उस तक मुंतकिल हो जाए? वो घबरा गया, कहा नहीं यार रसूल अल्लाह, कहा अच्छा तो क्या तुझे ये खतरा था कि उसकी गुर्बत इस आबा के जरिए उस तक पहुंच जाएगी? कहा यार रसूल अल्लाह नहीं। कहा दूर बैठ, ये साहिब खुलते अजीब, कहा दूर बैठ, उसे दूर बैठाया, वो जो करीब था ना उसे और करीब कर दिया। अब सरमायादारी के मिजाज पर ये बात गहरा होगी ना, तो दूसरे दिन अरब के सरमायादारों ने, पैसे वालों ने मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद पैगंबर की खिदमत आए और दो मुतालिबे लेके आए कि या रसूलल्लाह पहला काम तो यह करें कि अपनी मुलाकात का टाइम मुअय्यन करें, कि फला वक्त में आप गरीबों से मिलेंगे और फला वक्त में आप अमीरों से मिलेंगे। भाई तारीख है और तफसील में शान नज़ूल में ये वाक़या मिल जाएगा। अच्छा पहला मुतालबा है टाइम मुअय्यन करें, दूसरा मुतालबा कि अगर आपके पास कोई गरीब बैठा हुआ और हम अमीरों में से कोई आ जाए तो आप उसे उठा के हमसे बात करें। यह है सरमायादारी का मिजाज, उसे उठा दें
और हमसे बात करें भाई बहुत तवज्जो रखिएगा। रसूल मुतारिब रसूल के खामोश हैं। भाई रसूल तो मसीहत देख सकता है और खामोश हो सकता है, लेकिन कुरान बख्शाते नहीं देखा सकता। कुरान खामोश नहीं होता। कुरान ने आवाज दी और आवाज सुने ला तत्र लजीना याद पूरा रब कहूँ बेलखदा के बलिशिये यूरी दूरा वजह। हबीब खबरदार, कोई भी मुसलमान वो गरीब हो या अमीर हो, ये नमाजी मुसलमान, ये सुबह शाम अल्लाह की इबादत करने वाला मुसलमान, खबरदार हबीब किसी मुसलमान को अपने पास से डांट के न बुलाना। भाई बहुत बहुत मजबूत रखिएगा, खबरदार। यानी बड़े अजीब तेवर क्या है, ला तत्र लजीना याद पूरा रब कहूँ बेलखदा के बलिशी यूरी दूरा वजह। खबरदार हबीब किसी भी मुसलमान को, वो अमीर हो या गरीब, किसी भी मुसलमान को अपने पास से डांट के मत उठाना। दरमियान में टुकड़ा छोड़ दिया तत्रुदुहुम फतकून मिन अज़्ज़ालिमीन, और अगर कभी तुमने डांट के किसी मुसलमान को उठा दिया तो तुम जालिम हो। आपने आयत के तेवर को देखा कि कितना जलाल है परवरदिगार। अब रसूल को यह हक नहीं, वही तवज्जो रखिएगा, अब रसूल को यह हक नहीं है कि किसी मुसलमान को डांट के अपने पास से उठा दे। तय हो गई बात, रसूल को हक नहीं है